तो भाई अभी हुआ गया, मैं जूस पीने गया घर के नीचे से ही, और वहां पे एक कपल था, लड़ रहे थे मैं पेटीएम करता हूँ। तो मेरे को अपनी याद आ गई, हमारे में क्या होता था, जो छोटे छोटे खर्चे थे 50 के, 100 रुपए के, 120 के, 140 के, वो सारे वो कर देती थी प्रधान बन के, मैं करती हूँ। जो मोटे मोटे होते थे 1,000 के, 2,000 के, 3,000 के, वो सारे मेरे को करने पड़ते थे, वहां वो चुप हो जाती थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सतर्क रहे, थोड़ा ठस्सा खाओ, कट रहे हो आप। बाकी वेलकम बैक टू द डेली व्लॉगिंग, डे 6 है आज। आज बिल्कुल व्लॉग नहीं कर सकता था, बट स्टिल मैं फोन से ही चालू हो गया हूँ क्योंकि मैं स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहता। और दिक्कत क्या है भाई, आज सुबह सुबह मम्मी ने जगा दिया, मेरी बहन की थोड़ी बहुत तबीयत खराब है तो उसको चेक कराने जाना है हॉस्पिटल। तो मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, चलते हैं। घर के लड़के किस लिए होते हैं, ड्राइवर वेट कर रहा हूँ 5 मिनट से, आए नहीं अभी तक। क्या हुआ मम्मी, कहाँ जा रहे हैं हम? हॉस्पिटल। क्या हुआ है? रीता बीमार। क्या हुआ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तेरे को? सुती क्या? बता उसको, बता तेरा ब्लॉग बनेगा। 2.5 लाख बंदे देख रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या हुआ, बीमार कैसे हो गए। तो वैस कोरोना हो गया। कोरोना कोई नहीं है, टेस्ट हो गया है। देखो अब क्या है, इन्फेक्शन है पेट में इसके, बाहर का खा के हो जाता है। बाहर का मत खाया करो, मैं हमेशा कहता हूँ ईट क्लीन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ट्रेन हार्ड, टेक इट सीरियसली। जब भी अकेले आओ गाड़ी में, पेट्रोल 100-150 उससे ऊपर नहीं। जब मम्मी साथ बैठी हो फुल कराना है, ठीक है भाई। 2 मिनट नीचे उतर जाओ, 0-0 खुद चेक करो जब फुल कराओ। देता नहीं तुम्हें मैं, फिर बेइज्जती कर रहे हो लोगों के आगे। नहीं देता, देता। पेट्रोल महंगा होना चाहिए यार, 1,000-2,000 रुपए लीटर, वरना फर्क कैसे पता लगेगा। अब देखो हर कोई गाड़ी लेके घूम रहा है, कैसे फर्क पता लगेगा। आरुष बोला भी गाड़ी लेके निकले, हम तो 1,000-2,000 का भी भरवा लेंगे, समझ रहे हो। बाकी सबकी गाड़ी खड़ी हो और बस हम चलाए, तब आएगा मजा। पेट्रोल कर दो 2-3 हजार रुपए लीटर, जल्दी मोदी सरकार से गुजारिश। भाई पार्किंग बिल्कुल फुल थी, यहाँ पीछे लगा के आनी पड़ी है मेरे को, सामने हॉस्पिटल है वो देखो। अब मैं जरा वहां जाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है, तुम्हें भी अपडेट देता हूँ। हंस रहे हो? भाई बहुत देर लग रही है यहाँ पे, साला इधर धक्के लगवा रहे हैं, उधर धक्के लगवा रहे हैं एडमिशन के लिए। इतने तो मैंने कॉलेज के एडमिशन के लिए धक्के नहीं लगाए थे जितने रूम लेने के लिए लग रहे हैं। चलो भाई यहाँ देखो, इधर लाभा यहाँ रखे हुए केक यार, तो हॉस्पिटल में कौन बर्थडे बनाएगा केक के, यहाँ पे सीते ही हो गए, ज़्यादा पैसे आ जाते ना लोगों के पास, पागल ही हो जाते हैं ये। भाई भूख लग रही है बड़ी तेज यार, बहुत लेट कर रही है। मैं भी सुबह का आया हूँ। बाकी तुम्हें पता है इसमें 4 दिन एक बार यहाँ पे एडमिट हुआ था, ये बिल्कुल 5-स्टार हॉस्पिटल है। यहाँ पे मतलब जेल होती है ना एक 5-स्टार वैसा हिसाब है, बंदा आके जाता है बैठा बैठा। और मैं मेरा शेयरिंग रूम था तो साली साथ वाली एक आंटी थी बुड्ढी, मेरे को ठंड लगती थी ऐसी चला के रखती थी तेज, बड़ा कलेश हुआ मेरा वो भी आंटी से। बाकी भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बंदे आते हैं थोड़ा मूड वूड खराब होता है। इधर अगर आरुष बोला व्लॉग्स चल जाए, आरुष बोला फिटनेस के व्लॉग्स, तो मैं तो सोच रहा हूँ इलाज के बिना ही बहुत बंदे ठीक हो जाएंगे। क्या कहते हो, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? शरण नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, साला हॉस्पिटल में भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया भाई। ये मेरा काम है भाई, जॉब। तो भाई बेड अलॉट करने में बहुत टाइम लगा रही है ये, तो मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लूँ। वैसे तो मैं उसके सर पे ही खड़ा हुआ था, बट वो कह रहा था भाई कलप रहा था थोड़ा थोड़ा, तो धीरे धीरे फिर हमने कहा चल आते हैं 10-15 मिनट में, यहीं से कुछ खाते पीते हैं। क्या खाएगा, कुछ डाइट वाला खिला बढ़िया। बर्गर खाते हैं, बर्गर तू खाया बर्गर भाई। इसके ब्लॉग में अब गाली नहीं बकूंगा, अभी इसकी दीदी ने पकड़ दिया मुझे, पकड़ दिया। अरे तू गालियों के बक्ता इतनी, हाँ ये भी बक्ता, फिर मैं ठस्सा हो गया, मैं आ गया भाग के। अभी तो बेटा डैडी भी पकड़ेंगे तेरे को, डैडी भी पकड़ेंगे अभी। कह रहे गाली दे, तू गाली रखता तब तेरी गाली नहीं दिखती, मैं पकड़ू तो मेरी गाली। मेरे को भी चमकाया, कह रहे उसको भी चमकाऊंगा। बाकी बाइक देखो गाइस कैसी लग रही है, गला हीरो लग रहा बाइक पे। तो भाई अब हम आए हैं, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं यहाँ पे रखा आगे, ठीक है। तो
भाई अब हम आए हैं कुछ खाने पीने और आवाज़ थोड़ा तेज बोली हो क्योंकि फोन तेरे से दूर है, ठीक है। तो अब हम आए हैं कुछ खाने पीने यहीं पे आसपास ही, एक चिकन बर्गर और एक ऑमलेट, काम चलाना पड़ेगा। यार ये तो गलत सीन है, क्यों नहीं ऐसा पॉइंट। ये बर्गर भी दे रहा है, जान कैसे आएगी, खाऊंगा नहीं तो इतना। हाँ खा तो भाई वो ऑमलेट था, हेल्दी था ब्राउन ब्रेड में, ये बर्गर है इसमें सीख और दो अंडे हैं, टोटल चार अंडे हो गए अपने, इसके बाद घर जाके खाएंगे। एक तू और एक मौसम कितने सेक्सी हैं दोनों। थैंक यू बाबू। ओए भाई मौसम देखियो भाई, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है और बारिश हो सकती है बहुत ही जल्दी, हम भीग सकते हैं, हमें हॉस्पिटल जाना है और एक वेस्ट सैंडविच मम्मी के लिए पैक करा रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी हो जाए फिर जाओ। भगवान से दुआ करो बारिश ना हो इससे पहले, वरना भीग जाऊँगा मैं। ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी ब्रो तुम गरीब हो ना तुम्हें नहीं पता, बूंदाबांदी में स्टार्ट हो गई है, ड्रिजलिंग बोलते हैं उसको यार। ये कहाँ पे गाड़ी लगाई है तूने भाई, जल्दी चलो लेट हो गए, बारिश हो गई है भाई। तुम्हारा भाई बनेगा टॉप का ब्लॉगर, घर पे बंदा बीमार फिर भी ब्लॉगिंग, यानी कि टांग भाई। मैं 12 बजे आया था, 3 बज गया अभी तक इन्होंने रूम नहीं दिया, वो बोला सीन करूँ वांटेड वाला, कभी तो सीरियस हो जाया कर भाई। सीरियस हूँ यार, रूम नहीं दिया 3 घंटे हो गए, एक डॉक्टर पकड़ के। तो भाई अगर तुमने BL के हॉस्पिटल टूर देखना है तो जल्दी नीचे कमेंट करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अड्डों पे। जब आपके पास गेट पास ना हो तो आपने पेशेंट से कैसे मिलना है, मैं अपने 4 दोस्त बुला लेता था, इधर आओ यहाँ से एंट्री लोगे ना सीधा वहाँ जाके सीढ़ियाँ होती है। हाँ पता मुझे, एक वहाँ पे भी है, दोनों में से एक जगह ही होता है गार्ड। हाँ मतलब पहले एक बंदा जाके चेक कर लो, वहाँ पे नहीं है तो पास लेके दूसरे बंदे को पकड़ाते रहो और बंदे आते रहेंगे। ऐसे हमने हॉस्पिटल रूम में पार्टी भी कर रखी है 6 लड़कों में, हुक्का लगाया ना, बस हुक्का नहीं लगा पाए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो फायदा हुआ यार घूमने का, मम्मी ने मांगे फालतू दे दिए। तो भाई बहुत बंदे BLK को इस नाम से पहचानते हैं यार, रॉकस्टार की शूटिंग हुई थी भूल जाओ यहाँ पे, अब से ये बोलना है आरुष बोला ने व्लॉग किया था, ठीक है। शूट यार भाई मैं आया, मेरी नज़र सीधा यहाँ गई, मेरे को लगा हो गया काम। बट सही है सब, मैं गली चाह रही हूँ यार। क्या हुआ यार तू उदास क्यों है यार, भगवान प्लीज मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो। क्या होगा भाई तेरा, हॉस्पिटल में बैठा हुआ तू कह रहा है 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो। ओ भाई 4:40 हो गए, अभी तक रूम नहीं मिला है, यहीं धक्के खाई जा रहा हूँ, एक बार रूम मिल जाए फिर आपको अपडेट करता हूँ। पुराने वाला ब्लॉग भी अभी अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि वाईफाई मिल नहीं रहा कहीं से, यहाँ पे नेट भी नहीं आ रहा, वरना रिचार्ज करा के कर लेता, घर जाके करता हूँ। ठीक है तो क्या हो गया यार, सिल्वर बटन आ ही नहीं रहा यूट्यूब पे। कोई नहीं यार आ जाएगा यार, टू डिप्रेशन मत ले गाइस, कुछ कर दो प्लीज़ यार इसका। तो गाइस ये होम स्टोर में आ गए, सो गाइस यहां पे होएगी लैला की बर्थडे पार्टी। व्यू देखो गाइस, ये यहां पे हुक्का हुक्का यहां पे चल जाएगा अपना, यहां पे हुक्का, यहां पे बियर, यहां फुल व्यू लो, 5-star होटल का। ये टीवी यहां पे व्लॉग चलेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे जो ज्यादा पी के बीमार हो गए हटा देंगे, जिसका ओवर हो जाएगा बाकी बैठे क्या आगे अपनी। भाई व्यू बड़ा प्यारा है यार, एक फोटो भेजेंगे आगे, बैठ जा। बढ़िया रूम है यार, चले यार मैं
तो भाई अब मैं घर जा रहा हूँ और तुम्हें बाद में मिलता हूँ। फोन में 2% बैटरी है, अब इससे और ब्लॉग नहीं हो पाएगा। इनको रूम दिलवा दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है मैंने, ठीक है। भाई इसको देख के ना मेरे को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब कुछ भी खा खा के मैं गेमिंग कर रहा था, जब पतला सा होता था। काश वो पल वापस लौटाए मेरी जिंदगी के हसीन पल। भाई जो इससे पहले वाली वीडियो है वो बहुत ट्राई कर रहा हूँ पर अपलोड ही नहीं हो पा रही, इससे पूछो। दोस्त के घर जाके वाईफाई से भी ट्राई कर ली सालो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर अपलोड ही नहीं हो रही। पता नहीं फ़ोन में दिक्कत है क्या दिक्कत है, घर जाके लैपटॉप से डालता हूँ। और बाकी जो आज की चीट मील है वो तुम्हें दिखाने चलते हैं, जो सुबह की थी वो चीट मील में नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो भैया से मैंने कहा था डाइट वाला फूड बनाना भूल गई। जो भाई जो ब्रो क्या खाना है बता, जो तू बोला डोमिनोज से पिज़्ज़ा खा दो। चल डोमिनोज ले। हाँ भाई कैसी चल रही है गेमिंग? वो चीट मील भी क्या चीट मील जब तुम समोसा ना खाओ। जो भाई जो ब्रो आ गया मजा देख रहा ये खा के, अब मिलता हूँ दोबारा। तो ठीक है भाई, जो आपने लास्ट क्लिप देखी उसके बाद अब मैं घर आ चुका हूँ और इसके बीच का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था, मैं कैमरा लेके नहीं गया था और फ़ोन मैंने अपलोडिंग में वीडियो लगा दी थी यूट्यूब वाली, तभी आपने लेट देखी। वो मैंने अमन के घर फ़ोन छोड़ दिया था अपना और ये वाला व्लॉग भी थोड़ा लेट ही आएगा उसके लिए सॉरी। बाकी कल हमारा आने वाला फाइनल एपिसोड डेली व्लॉगिंग, अगर आप डेली व्लॉगिंग एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो, बहुत टैक्सिंग है डेली व्लॉगिंग, स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि मेरा चैनल बूस्ट हो जाए और आप भी थोड़ा मेरा कंटेंट एंजॉय कर पाओ। बाकी थैंक यू सो मच, आप मेरे सारे सपने पूरे कर रहे हो क्योंकि ये मेरा सपना था कि भाई मैं वीडियो डालूँ और 10-15-20 कुछ हज़ार बंदे मेरी वीडियोस देखें डेली और एंजॉय करें। बाकी इतने पॉजिटिव कमेंट करते हो आप उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हॉस्पिटल में थी वो मेरी कज़न सिस्टर, उसके हल्के से पेट में दर्द था और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मामला, तभी हम अंदर एंजॉय कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई मैं ट्राई करूँगा डेली व्लॉगिंग बंद ना करूँ, कंटिन्यू रखूँ, बट देखते हैं क्या भी होता है। जो भी होता है आप इंजॉय करोगे, मैं भी इंजॉय करूंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना प्यार दिखा देना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, 3 बटन से भार।